नमस्कार आदाब, न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जगसलाय रामटेगरी रोड में पन्ना गुरुजी स्कूल के पास एक पुराना दो मंजिला घर ढहने से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। ये घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है। मकान ढहने से उसके मलबे की चपेट में एक गौरव नामक व्यक्ति की वैगनार क्षतिग्रस्त हो गई। वही मलबे में दबकर दो कुत्तों की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में मलबा अभी भी लटक रहा है, जो कभी भी दूसरी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की गई, लेकिन वहां से कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन सूचना है कि नगर पालिका की ओर से उस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस निकाला गया है। स्थानीय गणेश ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक की संभवतः मौत हो गई है। कई सालों से मकान पर मालिक की ओर से कोई दावा करने नहीं आया, उसके बाद से ही ये भाड़ेदारों ने कब्जा कर लिया। उनके द्वारा बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती है। जानकारी के अनुसार निजी लाभ के लिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के कारण ये हादसा हुआ है। शनिवार को भी जब एक बार मलबा गिरा तो कार मालिक गौरव ने अपनी कार हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मलबा दोबारा गिर गया। गौरव ने किसी तरह कार से निकाल कर अपनी सुरक्षा की, लेकिन कार दब गई। बहरहाल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चालू रोड है और यहीं पे ये जो बिल्डिंग है ये ढह गई है, और ये मतलब कल भी ढह रही थी, आज भी कुछ इसका हिस्सा ढहा है। एक गाड़ी इसके नीचे दब गई है और ये चालू रोड है। यहाँ पे कभी भी किसी का भी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान के जैसे अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? करीब 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है। किन की बिल्डिंग है ये? ये कोई चायबासा के खीरवाल है, उनकी बिल्डिंग है। अभी कौन रह रहे हैं इसमें? अभी तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भाड़ेदार है, वही रह रहे हैं। अच्छा, ये स्थिति बनी हुई है, आप लोगों ने नगर पालिका में शिकायत किया? हाँ, नगर पालिका में हमने शिकायत की है। क्या नगर पालिका के पदाधिकारी आए थे यहाँ? नगर पालिका के पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने इसका सर्वे किया और सर्वे करके कहा कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में, इसे जल्द से जल्द खाली करा दिया। हादसा में क्या कुछ नुकसान हुआ है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे में जो गाड़ी है वैगनार गौरव की गाड़ी से, जो कि पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका कुछ यूज नहीं हो सकता, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे दो कुत्ते थे जिनकी भी मृत्यु दब जाने से हो गई। क्या नाम हुआ आपके? मेरा नाम गणेश है। मुझे अपने घर जाना है। यही हाल होता है नीट यूजी परीक्षा की तैयारी के लिए घर, माँ पिता और दोस्तों से दूर किसी और शहर जाने वाले बच्चों का। मगर अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको एक सफल डॉक्टर बनने में मदद करेगा सफल इंस्टीट्यूट, जहां खुद नीट यूजी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और मेडिकोज देते हैं प्रशिक्षण। क्लास 11th, 12th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर क्लासेस प्रोग्राम और 50% स्कॉलरशिप ओरिएंटेड सीट्स के साथ। तो अब आपको सफल होने के लिए कहीं और नहीं बल्कि सफल की ओर आने की जरूरत है।